अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए मछली की रेसिपी लेकर आई हूं। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने मछली ली, इसे हम मैंने नमक लगा के एक घंटा रखा और धो के साफ़ करके इसको अब हम मसाला लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने रोस्ट किया मसाला। एक चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, साबुत धनिया लिया दो चम्मच, और इसे हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। खुशबू आने लगेगी। ये रोस्ट किया और ये कुटी हुई मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है। एक से दो मिनट के लिए थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे और इसे फिर हम पीस कर रख लेंगे। ये हमने पीस लिया मसाला, रोस्ट किया हुआ। ये एक पाव मैंने दही लिया, इससे अच्छे तरीके से इसको मेल्ट किया और इसमें मसाले ऐड करेंगे। नमक ले लिया, पहले मैंने नमक मछली में लगाए थे, सबसे कम नमक लिया, आधी चम्मच नमक ले ली। आधी चम्मच मैंने हल्दी की डाल दी इसमें, रोस्ट किया हुआ मसाला वो डालेंगे। लाल मिर्च डाल दी है एक चम्मच, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये इसे हम मछली पे लगा देंगे। एक घंटे के लिए मछली पे लगा के हम छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी सी कुटी हुई मिर्ची मैंने डाल दी थी, मिर्ची मुझे थोड़ी कम लगी, मैंने आधा चम्मच और मिर्ची का डाला। कम और ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये सारा मसाला मैंने मछली पे लगाऊंगी और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि सारी मछली पे मसाला अच्छी तरीके से लग जाए। और एक घंटे के लिए अब इसे हम फिर छोड़ेंगे, फिर फ्राई करेंगे। दो चम्मच मैंने इसमें बेसन डाल दिया, मसाला लगा के दो चम्मच बेसन के डाले हमने। इसे मिक्स करके अब इसे एक घंटे के लिए रखेंगे और फिर हम इसे फ्राई करते जाएंगे। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है मेरी रेसिपी। आप लोग ट्राई किया करें और कमेंट्स में बताया करें। ये अब हम फ्राई करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और अच्छा सा कलर, गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम आँच पर हम इसे फ्राई करेंगे ताकि ज़्यादा तेज़ आंच पे इसी वजह से नहीं करेंगे ताकि जो है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो इसे हम पलटेंगे। आहिस्ता आहिस्ता पलटते जाएंगे। गोल्डन सा कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। जैसे फ्राई होगी हम इसे निकाल लेंगे। फ्राई होगी अब इसे हम निकालेंगे। कितना अच्छा सा कलर आ गया, मसाला भी बिल्कुल भी नहीं इसका साइडों से या मछली के ऊपर से उतरा। पहले ही हल्की आंच कर लिया करें, फिर मीडियम आंच पे इसे फ्राई किया करें। ये देखें कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है। साथ ही हमने इमली की चटनी बनाई है साथ, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।